तो आज हम इस दामोदर महीने में भगवान की सुंदर लीला, दामोदर लीला की चर्चा कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसका हम जैसे जानते हैं, श्रीमद्भागवतम में बहुत सुंदर रूप से इसका वर्णन किया गया है, तो हम पढ़ेंगे। भगवान की माखन चोरी और मटकी तोड़ने का, गोकुल में घर घर में जाके गोपियों के घर में माखन चुराते थे भगवान, उनकी मटकियाँ तोड़ती थी तोड़ते थे, और गोपियाँ जो है शिकायत करती थी माता यशोदा को। यशोदा ने सोचा कि मैं खुद अपने हाथों से दही को मथूंगी और इसके कारण मैं दही को मथ रही थी। तब भगवान सो रहे थे, भगवान उठ गए, भगवान के पास आए, उनको उनका भगवान को स्तन्य काम करते हैं, माता यशोदा का स्तनपान करने की इच्छा से उनके पास आए, और भगवान उनको माता यशोदा भगवान को स्तनपान करा रही थी और बहुत आनंद ले रहे थे। पर माता यशोदा ने देखा कि आग पर जो दूध रखा गया था वो फल रहा है, तो माता यशोदा उनको बचाने चली गई, भगवान को नीचे रख दिया। भगवान को क्रोध आया और भगवान ने क्या किया, मटकी तोड़ दी और सभी जो माखन और सब जो दही सब जो है जमीन पर फैल गया, और वे दूसरे कमरे में जाकर एक उल्टा एक ओखली को उल्टा कर उसके ऊपर चढ़कर वे बंदरों को माखन खिला रहे थे, और डरे भी थे, चिंतित भी थे, क्योंकि उन्होंने ये जो कार्य किया है मटकी तोड़ने का, तो वे भयभीत थे कि माता यशोदा उनको डांटेगी। तो इस प्रकार से वे बंदरों को खिला भी रहे थे, लेकिन देख भी रहे थे कि कहीं माता यशोदा वहां ना आ जाए और उनको डांट ना पड़े। तो माता यशोदा ने जब देखा कि भगवान ने ऐसे कार्य किया, तो वे उनके उनके पीछे गई, उनको ढूंढ निकाली और वहां पे आई। और जब भगवान माता यशोदा को छड़ी लिए हुए देखा, तो वे तेजी से गोखली से के ऊपर से नीचे उतरे और आए उतर आए और इस तरह भागने लगे मानो अत्यधिक भयभीत। तो भगवान यहाँ पे भय के मारे माता यशोदा की छड़ी को देखकर वे भाग रहे हैं, तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि बड़े योगी जन बड़ी बड़ी तपस्या करके ब्रह्म तेज में प्रवेश करने की इच्छा से परमात्मा के रूप में ध्यान के द्वारा पकड़ने का प्रयत्न करने पर भी उन तक नहीं पहुंच पाते,
उन्हीं भगवान कृष्ण को अपना पुत्र समझ कर पकड़ने के लिए यशोदा उनके उनका पीछा कर रही। तो ये यहाँ पे वर्णन किया गया कि ये दृश्य है कि बड़े बड़े योगी भगवान को पकड़ नहीं पाते, अपने ध्यान में परमात्मा को अपने हृदय में नहीं पकड़ पाते। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान माता यशोदा द्वारा पकड़े जाने वाले हैं और भयभीत भी है। माता कुंती अपनी प्रार्थना में कहती है कि भय भाव भावनया कृष्णा, आपने माता यशोदा से भयभीत है और योगी जन जो है कृष्ण से भयभीत है। योगी जन ज्ञान योग तथा अन्य योग द्वारा कृष्ण तक पहुंचने का प्रयास करते हैं किंतु उन तक पहुंच नहीं पाते। माता यशोदा स्त्री होते हुए भी कृष्ण उनसे भयभीत है, जैसे कि श्लोक में स्पष्ट कहा गया है। तो अब कृष्ण का पीछा कर रही है माता यशोदा, ये भाग रहे हैं और क्योंकि वे छोटे हैं तो बहुत तेजी से भाग रहे हैं और माता यशोदा जो है उनके पीछे पीछे भाग रही है। कृष्ण का पीछा करते हुए भरी स्तनों से भार से बोझिल पतली कमर वाली माता यशोदा को अपने चाल मंद करनी ही पड़ी, क्योंकि वो इतना तेजी से भाग रहा था और तेजी से कृष्ण का पीछा करने के कारण उनके बाल शिथिल पड़ गए और उनमें लगे फूल उनके पीछे पीछे गिर रहे थे। फिर भी वे अपने पुत्र कृष्ण को पकड़ने में सफल हुए। तो इस प्रकार से सफल हो गई। तो हम देखते हैं कि माता यशोदा किस प्रकार से बड़े योगी जन बड़े 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 जो ऋषि मुनि योगी वे भगवान को नहीं पकड़ सकते। यद्यपि योगी जन कठिन तपस्या द्वारा कृष्ण को पकड़ नहीं पाते किंतु इतने अवरोधों के बावजूद माता यशोदा अंततः कृष्ण को पकड़ पाने में समर्थ हो गई। योगी तथा भक्त में यही अंतर है। तो अगर भगवान को पकड़ना है तो भक्ति बाद भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को पकड़ सकते हैं। योगी जन कृष्ण के तेज तक में प्रवेश नहीं कर पाते। कठिन तपस्या करने के बाद में भी कोई गारंटी नहीं है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। अनेक अनेक दो दूसरे योग है, ज्ञान योग कर्म योग जितने भी प्रकार के योग है, उसमें कोई गारंटी नहीं कि सफलता पा सकते। पर यहाँ पे भगवान के प्रति प्रेममय सेवा, प्रेम से भगवान को यहाँ पे पकड़ा ब्रह्म संहिता में भी बताया गया, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंग कोटिश्वशेषु वसुवि वसु दादि विभूति भिन्नम तद् ब्रह्म निष्कलम अनंतम शेष भूत गोविंदमादि पुरुष।
उस तेज में लाखों ब्रह्मांड रहते हैं, किंतु योगी तथा ज्ञानी जन अनेकों अनेक वर्ष तक कठिन तपस्या करने पर भी उस तेज में प्रविष्ट नहीं हो पाते, जबकि भक्तगण मात्र प्रेम तथा स्नेह द्वारा कृष्ण को बंदी बना सकते हैं। तो अगर भगवान को पकड़ना है, भगवान को की कृपा पाना है, तो यही एक रास्ता है, वो है प्रेम भक्ति द्वारा। माता यशोदा यहाँ ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। भगवान की ये लीलाएं, भगवान ये सिद्ध कर रहे हैं इन लीलाओं से कि भक्तिमय सेवा और भक्ति और प्रेम से ही भगवान को पकड़ा जा सकता है, नहीं तो ज्ञान या ध्यान से हम भगवान को नहीं पकड़ सकते। तो मतलब कृष्ण इतने इसकी पुष्टि करते हैं कि जो उन्हें पकड़ना चाहता है उसे भक्ति करना चाहिए भगवान के। अगर भगवान रास्ता भी बताते, भगवान ये नहीं कहते कि ज्ञान से ध्यान से हम मुझे प्राप्त किया जा सकता है। भगवान कहते भक्ति के द्वारा, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते सनातरम तदंतरम। अगर भगवान को सिर्फ भक्ति द्वारा, भगवान कहते हैं अगर कोई मुझे समझना चाहता है तो भक्तिया भक्ति द्वारा ही भगवान को हम समझ सकते हैं, और कोई रास्ता। अठारहवें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान बताते हैं, किसके पास भगवद गीता है बोलिए, भक्त्या माम अभिजानाति यावच् तस्याश्च तत्। 18.55, वन कैन अंडरस्टैंड मी एज आई एम एज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड ओनली बाय डिवोशनल सर्विस, एंड वेन इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी बाय सच डिवोशन ही कैन एंटर इन टू द किंगडम ऑफ गॉड। यस, इसके पास हिंदी में, यस विद्या माता जी, म्यूट पे आप अनुवाद पढ़ना है कि केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। ये भगवान कह रहे, हमने कह रहे भगवान जो कह रहे हैं उनको हमें स्वीकार करना। भगवान कहते भक्ति द्वारा है, और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम भगवत धाम भगवान को समझना चाहते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं, तो एक ही माध्यम है, वो है भक्ति। और इन सब लीलाएं हैं, या माता यशोदा यहाँ ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत कर रही है कि वो भगवान को पकड़ लिया, भगवान को स्तनपान कर सकी। कारण क्या है? भक्ति। तो साधारण स्त्री है, साधारण नहीं है, पर अगर सामान्य रूप से देखा तो ये स्त्री है, कोई योगी नहीं है, तपस्वी नहीं है, ज्ञानी नहीं है, ध्यानी नहीं है, एक सामान्य स्त्री। तो कोई भी भगवान को इस प्रकार से प्राप्त कर सकता है।
कोई भी भगवान के नजदीक जा सकता है, भगवान को समझ सकता है। तो एक ही रास्ता है, अगर वे भक्ति करना सीख जाए। और भक्ति कैसे करना है, यहाँ पे माता यशोदा तो भक्तजन तो कृष्ण लोक में भी आसानी से प्रवेश कर जाते, किंतु अल्पज्ञ योगी तथा ज्ञानी जन उनके ध्यान के द्वारा कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। यदि वे कृष्ण तेज में प्रवेश भी करते हैं तो भी नीचे गिर पड़ते हैं, तो ज्यादा देर नहीं। अगर ब्रह्म ज्योति में अगर वे वहां पे भी पहुंच गए तो भी ज्यादा देर नहीं रहे। तो ये अब कृष्णा को पकड़ लिया माता ने, माता यशोदा द्वारा पकड़े जाने पर कृष्णा और अधिक डर गए और उन्हें अपनी गलती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा माता मेरी गलती है, वो डरे भी थे, डरे हुए हैं। माता यशोदा ने पकड़ लिया, भगवान कहते कि मैंने गलती, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो प्लीज। ऐसे भगवान माता यशोदा को प्रार्थना करते हैं। माता यशोदा ने कृष्ण पर दृष्टि डाली तो देखा कि वे रो रहे हैं, वो रो रहे रुदम तम ने रो रहे। हम इस भागवतम में जो लीला बताई गई है उसको पढ़ने से हम जो है दामोदर अष्टकम का और भी आनंद ले सकते हैं, क्योंकि ये ही जो बात है सत्यव्रत मुनि ने बहुत ही सुंदर रूप से 8 श्लोकों में बहुत सुंदर रूप से पूरा जो दृश्य सामने आ जाता है। अभी जितना समय लग रहा है हमें पढ़ना समझना देखना सुनना, वो सब दृश्य जो है दामोदर अष्टकम के द्वारा पूरा जो लीला की हर एक श्लोक नमः ईश्वरम सच्चिदानंद रूप लसत कुंडलम गोकुले व्रजम यशोदा भी योग यशोदा के वैस क्या कर रहे भगवान दौड़ रहे हैं। तो ये सब जो है पूरा यशोदा भी लद्धावमानम परम दृष्टम तो द्रुत गोप्या। माता यशोदा और जोर से और अधिक तेजी से भाग रही है। तो माता यशोदा द्वारा पकड़े गए, भगवान रो रहे हैं, रुदम तमोनित यज्ञान ब्रजंतम कर्म बोझ योग में ना सातंकने मोस्वस्तम पत्री रेखा कंत स्थित गैव दामोदरम भक्तिबाग भक्तिबाग रुदम रो रहे भगवान। माता यशोदा डरे हुए रो रहे आंसू बह रहे सिसकियां लेकर रो रहे मुंह स्वस्थ कम और कंपन और उनका जो है ऐसे बहुत ही डरे हुए आंखों को मसल रहे हैं और उनकी आंखों का जो काजल है उनका पूरा मुखमंडल पे वो जो अश्रुओं की धारा से साथ पूरा जो है मुंह के ऊपर इतना सुंदर दृश्य यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा वर्णन किया गया है। ये कोई बच्चों की कहानी नहीं है, सर्वोच्च उत्तम प्रेम भक्ति उत्तम आध्यात्मिक स्तर जो कोई योगी या कोई सामान्य व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। इस प्रेम भक्ति
और जिसके प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचने ना संता सदैव रितेश। प्रेम जिसके नेत्रों में, जिसने अपने नेत्रों में प्रेम का अंजन जिसका हृदय कोमल है, जिसका हृदय शुद्ध है, इस लीला का आनंद कि भगवान कितने भक्त वत्सल है। भगवान अपने आप को दे देते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं कौन है, और भक्त भी नहीं जानना चाहते हैं कि भगवान कौन है, वे कोई भी हो। इस लीला के पहले भगवान ने माता यशोदा को अपने मुख में पूरा जो विराट रूप दिखा दिया था, फिर भी माता यशोदा सोच रही है तो मेरा बालक सामान्य बच्ची के जैसे सोचो तो। और भगवान भी अपने आप को ढक देते हैं अपने भक्तों, क्योंकि अगर वे अपने ऐश्वर्य अपना, वे परब्रह्म है, परम सत्य है, परम पुरुषोत्तम भगवान है, अगर वे अगर हमें पता लग जाएंगे तो काम तो वैसे ही करेंगे, डांटेंगे माता यशोदा। योग माया के कारण जो है भगवान ये सब भूल जाते, योग माया इस लीला को आनंद और आनंद करने के लिए, भगवान को आनंद देने के लिए और अपने भक्तों को आनंद देने, उनके आंसू आंखों के काजल से मिल गया और हाथों से आंखों आंखें मलने के कारण उनके पूरे मुखमंडल में वह काजल फैल गया था। माता यशोदा ने अपने सलोने पुत्र का हाथ पकड़ते हुए धीरे से डांटना शुरू कर दिया। माता ने सोचा कि अगर ये ज्यादा डर जाएगा, वो इतना रो रहा है कितना डरा हुआ है, अगर मैं उसको उसको कुछ हो ना जाए, तो उसने उनको हाथ को पकड़ लिया, धीरे से डांटना शुरू कि ये अच्छी बात नहीं है कि वो इस प्रकार से, अभी ये शिकायतें तो आ रही थी लेकिन अभी उनको ठीक करना जरूरी है, तो इसलिए उनको डांटना जरूरी है। माता यशोदा तथा कृष्ण के इन व्यवहारों को हम भगवान की प्रेम भक्ति में लगे शुद्ध भक्त की उच्च स्थिति को समझ सकते हैं। तो माता यशोदा का पोजिशन इतना ऊंचा है, योगी ज्ञानी कर्मी तथा वेदांति जन कृष्ण को के पास फटक भी नहीं सकते, उन्हें उनसे बहुत दूर दूर रहकर उनके शारीरिक तेज में प्रवेश करने का प्रयास करना होता है। वो तो भगवान के पास भी नहीं जा सकते दूर से, किंतु वे ऐसा भी कर पाने में असमर्थ रहते हैं। हम देखते हैं योगी जन, ज्ञान से ऐसे सीरियस, कुछ रस्सी नहीं मिल रहा है तो ऐसे ही नहीं, तो लोग सोचते अरे दिया सो पीसफुल है, पीसफुल एंड क्वाइट बिकॉज नथिंग इज हैपनिंग ओनली, क्वाइट हो गए पीसफुल। लेकिन भक्त जो है भगवान की लीला में वो नाचते कूदते हैं, हंसते गाते हैं, भगवान के साथ वे जो है संबंध जोड़ते हैं, आनंद में रहते हैं, बिकॉज आनंद ही आनंद है,
आज तो आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो भक्त जो है उनको कोई चिंता नहीं है, वे कुछ भी नहीं चाहते। योगी जन क्या चाहते हैं? भगवान को प्राप्त कर। ज्ञानी जन क्या चाहते हैं? भगवान को अपने हृदय में पकड़ना, लेकिन वो नहीं करते, कर पाते नहीं कर पाते। और जो आनंद के लिए वो जो कर रहे हैं, उसके लिए उनको बहुत तपस्या, बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है। पर प्रेम तो हम सब के लिए संभव है, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि हम सब प्रेम करना चाहते हैं। और वो प्रेम कहाँ मिलता है हमें पता नहीं है, इसीलिए हम भौतिक चीज में हमारा जो है प्रेम डाल देते हैं और फिर निराश होते हैं। लेकिन भगवान के प्रति प्रेम इस प्रकार से, किंतु वे ऐसा भी कर पाना असमर्थ रहते हैं। ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता हमेशा ध्यान तथा सेवा द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद मरुते स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे सांग पद क्रम निषदे गायन्ति यम सांग ध्यान अवस्थित तद्गतेना मनसा पुष्यन्ति यम योगिनो यश्यन्तम न विदु सुर असुर देवाय। भगवान को पकड़ना, इतने इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता ब्रह्मा जी शिव जी ये सब जो है हमेशा भगवान देवता हमेशा ध्यान तथा सेवा द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि सर्वाधिक शक्तिशाली यमराज भी कृष्ण से डरता है। और यहाँ पे भगवान अपनी माता यशोदा की छड़ी से, माता यशोदा के डांट से डर रहे हैं कि वे डांटेंगे मुझे। जैसे कि अजमेर की कथा से ज्ञात है कि यमराज ने अपने सेवकों को कहा कि भक्तों के पास तक, सेवकों को भक्तों के पास क्या कर, भक्तों के पास तक न पड़कने का आदेश दिया कि भक्तों के पास तुम पड़कना भी नहीं। जो मेरे भक्त है, जो भगवान के भक्त है, यमराज कहते हैं अपने सेवकों यमदूतों से कहा कि ऐसे भक्तों के पास तुम पड़कना भी नहीं। आजीवन की कथा में भक्ति परम है, अगर हम भक्ति करें तो हम सेफ है, अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो हम भटकते रहेंगे। ब्रह्मांडे भ्रमित कौन भाग्यवान जी, जैसे कि कपिल मुनि बता रहे हैं कि पूरा जो है वापस चक्कर में पड़े रहेंगे, चक्कर में घूमते रहेंगे, बाहर निकलने की रास्ता ही नहीं मिलेगा। लेकिन रास्ता यही है भक्ति, और भक्ति जो है जीवा से शुरू होती, सेवन मुखे ही जी, और स्वयं पुरस्फुरित होती है जब हम भगवान का नाम लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जब ये करेंगे, अगर ये नहीं करेंगे और हमें इस मंत्र में यही रास्ता है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गति अन्यथा, शास्त्र बता रहा है कि इस कलयुग में हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। अगर टाइम वेस्ट करना है तो टाइम वेस्ट करो, ये जो है योग वो योग, ये टाइप ऑफ लिविंग ये लिविंग वो लिविंग, ये सब जो है प्रोसीजर्स इतने करने का है,
और फिर हम हरि नाम ठीक से नहीं करेंगे और फिर उसका उसका असर नहीं मिल रहा है तो कहेंगे कि अरे इसमें तो कुछ है नहीं। अरे है लेकिन कर तो नहीं रहे, अगर नहीं करेंगे तो कैसा लाभ मिलेगा। हमें दृढ़ता पूर्वक हर दिन हरि नाम करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम ऐसे करेंगे तो फिर हम जो है रास्ते पे सही मार्ग पे है। नहीं तो अजमेर ने वही तो किया। क्या किया? हरि का नाम लिया। यमदूत तो आए, नहीं है? शंकराचार्य भी कह रहे, आदि शंकराचार्य कह रहे, भज गोविंदम भज गोविंद भगवत गीता किंचित दीता गंगा जल लव कनिका पीता। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो भगवान का भजन गोविंद का स्मरण करेंगे तो यमे ना ना चर्चा, नो चर्चा। यमराज के दरबार में कोई चर्चा नहीं है जो भगवान का नाम लेता है। और यही हुआ अजमील, क्योंकि अजमील तो इतना पापी था, उसने उसका लिस्ट इतना लंबा था कि चित्रगुप्त थक गए। क्या उनका लिस्ट इतना है? तो यहां जो जाओ उसको पकड़ के लेके आओ। नारायण नारायण, तुरंत विष्णु दूत आ गए। कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि यमराज के दूत आए और वो कोई आदमी बच सकता है। और अभी कपिल मुनि बता रहे हैं कि क्या वो यातना किया है, यम यातना किया है, पूरे भागवतम में वर्णन किया गया है, इसी स्कंद में जो अभी हम पढ़ रहे हैं। लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं और अपना मन से बात करते, फिर सोचते हैं तो सब कहानियां हैं, इसमें क्या लिखा है। यहाँ पे सत्यव्रत मुनि इस लीला का वर्णन कर रहे हैं, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी इस दामोदर लीला का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से भक्ति द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं, और ये सरल और सुगम रास्ता है। पर हमको सरल और सुगम रास्ता नहीं चाहिए। हम नंगे पैर वीरार से माहिम तक चल के जाएंगे तो ऐसा फिर हाँ उसका कुछ असर है ना। लेकिन ये सरल चीज, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसको करने के लिए हमारा इंटरेस्ट नहीं है। और वही है, उसी में सब कुछ है। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति। तो भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नामों में डाली। तो दूसरे शब्दों में यमराज भी कृष्ण तक तथा कृष्ण भक्तों से डरता है। कृष्ण कृष्ण के भक्तों से डरता है, फिर भी वह कृष्ण अपनी माता यशोदा पर इतने आश्रित हो गए कि उनके हाथ में छड़ी देखकर उन्होंने अपने को अपराधी मान लिया। और भगवान बोल रहे माता मुझे मत मारो, और सामान्य बालक की तरह रोने लगे। माता यशोदा अपने प्रिय पुत्र को अधिक डांटना भी नहीं चाह रही थी, अतएव तुरंत ही छड़ी फेंकते हुए उन्होंने केवल इतना ही डांटा, अब मैं तुम्हें बांध दूंगी जिससे तुम और उपद्रव न कर सको। माता, अभी मैं तुझे मान दूंगी, नहीं तुम अपने संगियों के साथ कुछ समय के लिए खेल सकोगे,
और नहीं तुम गोपियों के घर में जा सकोगे, ना ही तुम माखन चुराओगे और ना ही बंदरों को खिलाओगे, और कोई भी अपद जो है उपद्रव नहीं मत करोगे। तो इससे ज्ञानियों, योगियों तथा वैदिक अनुष्ठानों के अनुयायियों से विपरीत शुद्ध भक्त की परम सत्य में दिव्य स्थिति प्रदर्शित होती है कि भक्त क्या कर सकता है। भगवान को बांध एक कोने में रख बांध, अभी यह जाने बिना कि कृष्ण कौन है, वे कितने शक्तिमान हैं, माता यशोदा कृष्ण के अगाध प्रेम में सदैव विहल रहती थी। अगाध प्रेम, वे सोचती है कि मेरा पुत्र बिगड़ रहा है, वो चोरी क्यों कर रहा है, वो चोरी करने क्यों जाता है, ये अच्छी बात नहीं, मैं उसको अच्छा बनाना चाहती। सदाचारी सज्जन होना चाहिए मेरा बच्चा, वो ऐसे ऐसे घर में जाके चोरी करता है तो उसको मुझे थोड़ा उसको सीधा करना है। वे नहीं जाती कृष्ण कौन है, पर ब्रह्म पर धाम पर पवित्रम परम भगवान, वो नहीं जानती। अर्जुन जानता, अर्जुन बोल रहा है, माता यशोदा नहीं, जानना भी नहीं चाहती। अगर किसी ने बताया भी, हाँ जब उद्धव गए उन्होंने बहुत ज्ञान का पाठ सिखाने का कोशिश किया गोपियों को, नहीं हुआ। कृष्ण के लिए मातृ स्नेह के कारण उन्हें इतना तक जानने की परवाह नहीं रहती थी कि कृष्ण है कौन। अतएव जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अत्यधिक डर गया है तो अपने हाथ से छड़ी फेंक कर उन्होंने उसने उसे बांधना चाहा, जिससे और आगे उपद्रता न कर सके, तो उन्होंने बांध दिया। तो यहां पे कैसे बांधे, कैसे बांधे, न चान्ति न वाहिर्यस्य न पूर्वं नापि चापरं, पूर्वापरं बहिश्चान्ति जगतो य जगत य जय। जिसका जिस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का न आदि है न अंत है, न बाह्य है न भीतर है, ऐसे भगवान को न चांति न बाह्य न यश्च न पूर्वम नापि, किसो माप जाए, कैसे मानना जाए, न आगे न पीछे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कैसे मानना जाए। दूसरे शब्दों में वे सर्वव्यापी है, क्योंकि वे काल तत्व से वशीभूत नहीं है, अतएव उनके लिए भूत वर्तमान तथा भविष्य में कोई अंतर नहीं है। वे सदा सर्वदा अपने दिव्य स्वरूप में रहते हैं, सर्वोपरि तथा परम होने के कारण सभी वस्तुओं के कारण कार्य होते हुए भी वे कारण कार्य के अंतरों से मुक्त रहते हैं। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारण, वह अव्यक्त पुरुष जो इंद्रियातीत है। इंद्रियातीत मतलब अपनी इंद्रियों से हम समझ नहीं सकते, अधोक्ष भगवान, अधोक्ष जो अपनी इंद्रियों से हम नहीं समझ सकते हैं,
मानवीय बालक के रूप में प्रकट हुए थे और माता यशोदा ने उन्हें सामान्य सा अपना ही बालक समझकर रस्सी के द्वारा ओखली से बांध दिया। तो ऐसे भगवान को माता जिसका कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है, जो अंदर नहीं है, बाहर नहीं, सर्वव्यापक है। जब अगर अब हम कहेंगे कि इस आकाश को बांधो, बांध सकता है कोई? अनंत है, पर भगवान जो है सुंदर लीला कर रहे हैं और इस सुंदर बालक के रूप में माता यशोदा के इस रूप बालक का रूप धारण करके वे अपने माता अपने भक्त परम भक्त माता यशोदा के साथ ये मानवीय बालक के रूप में लीला कर रहे हैं। ये भगवान की लीला है। तो यही है भगवद गीता में बताया गया, 10 चतुर्श्लोकी भगवद गीता, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमं भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम, ऐसे भगवान को माता यशोदा बांध रही है। क्या है? भक्ति बादम, भक्ति के बल पर भगवान को बांधा जा सकता। ब्रह्म शब्द का अर्थ है सबसे बड़ा, पर ब्रह्म कृष्ण महान तम से भी महानतम है, क्योंकि वे असीम सर्व तथा सर्वव्यापक है। अंततः ऐसे सर्वव्यापक को किस तरह मापा या बांधा जा सकता है, यही प्रश्न है। यही नहीं, कृष्ण साक्षात काल है, कालोस्मी भगवान कहते हैं भगवद गीता। साक्षात काल, अतएव न केवल देश में अपितु काल में भी सर्वव्यापक है, काल की भी माप है और हम भूत वर्तमान तथा भविष्य द्वारा सीमित है, किंतु कृष्ण के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। काल का प्रभाव इस भौतिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत में काल का प्रभाव, काल ही सभी चीजों का नष्ट करता है और इस भौतिक जगत का यही काल का प्रभाव होने के कारण सब कुछ नष्ट होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में काल का कोई प्रभाव ही नहीं। प्रत्येक व्यक्ति की माप है, हो सकता है, किंतु कृष्ण पहले ही प्रदर्शित कर चुके हैं कि व्यक्ति होकर भी वे अपने मुख के भीतर संपूर्ण विश्व को समाहित कर सके। पहले ही भगवान ने माता यशोदा अपने मुंह में पूरा जो विराट रूप दिखा दिया था, तो पहले ये स्थित हो गया। इन सब बातों पर विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कि कृष्ण को मापा नहीं जा सकता है, तो फिर यशोदा ने किस तरह उसे मापना और बांधना चाहा? हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि यह सब दिव्य शुद्ध प्रेम के स्तर पर हुआ है। शुद्ध प्रेम के स्तर पर ही भगवान को बांधा जा सकता है। और यहाँ पे यशोदा के उदाहरण से ये स्थित द्वैत चित्त मनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि अद्वैतमाचुत्यम अनंतरम अनंत रूपम। भगवान जो है सारी वस्तुएं अद्वैत है, क्योंकि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के परम कारण है।
वैदिक ज्ञान द्वारा न तो कृष्ण की माप की जा सकती है न गणना। वेदेशु दुर्लभ, एकमात्र भक्तों को उपलब्ध होते हैं, अदुर्लभ आत्म भक्तों। वेदेशु दुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्तों, भक्त ही उन्हें संभाल सकते हैं क्योंकि वे प्रेम भक्ति के आधार पर कर्म करते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः। और इसीलिए माता यशोदा उन्हें बांधना चा रही थी तथा प्रेम भक्ति भक्ति बादम। आज हम यहीं पे रुकेंगे। दामोदर अष्टकम का और इस दामोदर मंत्र महीने का ये सुंदर दामोदर लीला, ऐसा नहीं है कि एक दिन सुनो, हमारा यही आदत है, आधा आधा सुनते हैं और आधा आधा ज्ञान और आधा आधा सब आधा। पूर्ण हर दिन नित्यम भागवत सेवया, सुनना है भगवान की कथा। और इस महीने में सुनने से भगवान आसानी से प्रसन्न हो सकते हैं। तो सब कुछ प्राप्त है लेकिन हम ही नहीं चाहते तो क्या करेंगे। तो इसीलिए हमारा सौभाग्य है कि हम सब जितने भी है बैठ कर रहे हैं। दूसरों को भी बोलना चाहिए, हमें स्ट्रांगली कहना चाहिए कि करना है, नहीं तो माया की गोद में तो हम सब सो रहे हैं। जब तक फटके नहीं मिलेंगे तब ये नींद से नहीं उठेंगे। और हमें तो इस जीवन में ही भगवत धाम वापस जाना है। और नहीं चाहिए, बहुत बहुत सहन कर लिया इस भौतिक जगत का कष्ट। और अगर हम सोचते हैं कष्ट का अंत होगा, एक नहीं होने वाला है, राहत मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा कष्ट तो मृत्यु है, जन्म और मृत्यु। जो यहाँ श्रीमद् भागवतम में कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को बता रहे, माता देवहूति, कोई ऋषि मुनि नहीं है। तो हम सब सोचेंगे हम तो माता है, हमको क्या समझ में आता है, ये सब समझ में। अगर देवहूति, कुंती महारानी, द्रौपदी जैसे बड़ी बड़ी जो स्त्री हैं, यशोदा, गोपियां, तो संभव है। इच्छा, अगर इच्छा है, इफ देर इज अ विल देर इज अ वे, इफ देर इज नो विल देर इज नो वे, सिंपल। अंग्रेजों ने बहुत अच्छे अच्छे जो डायलॉग्स बनाए, गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्फ। तो कौन अगर बनाएगा पकड़ने के लिए हाथ, हमें भी आगे बढ़ना होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सो एवरीबडी अभी